अजय देवगन ने 60 करोड़ रुपए में खरीदा आलीशान बंगला, कोरोना की वजह से हुआ फायदा। जी हां, देश में जहां एक और कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने बीते 2 साल में हर किसी की आर्थिक हालत खराब कर दी है, वहीं बॉलीवुड के कुछ सितारे इससे कोई राबता नहीं रखते। बीते दिनों अमिताभ बच्चन ने 31 करोड़ रुपए में नया घर खरीदा। उनसे पहले अर्जुन कपूर भी 20 करोड़ रुपए में अपार्टमेंट खरीदकर मलाइका अरोड़ा के पड़ोसी बन गए। वहीं अब इस लिस्ट में नया नाम अजय देवगन का है। खबर है कि अजय देवगन ने जुहू इलाके में नया आलीशान बंगला खरीदा है, वो भी पूरे 60 करोड़ रुपए में। जी हां, अजय देवगन ने जहां नया बंगला खरीदा है, वहीं पास में ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और अक्षय कुमार का भी आशियाना है। अजय देवगन और काजोल बीते करीब 1 साल से नया घर खरीदने पर विचार कर रहे थे। बीते साल नवंबर दिसंबर में इस नए बंगले की डील फाइनल हुई और पैसों के भुगतान के बाद ये बंगला वीना वीरेंद्र देवगन और विशाल उर्फ अजय देवगन के नाम 7 मई को सम्मिलित रूप से कर दिया गया है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का कहना है कि ये बंगला कम से कम 65 से 70 करोड़ रुपए का है, लेकिन महामारी के कारण कीमतों में कमी आई है, इसीलिए अजय देवगन ने डिस्काउंट रेट पर यानी कि 60 करोड़ रुपए में इसे खरीदा है। इसके साथ ही मुंबई में महामारी को देखते हुए स्टैंप ड्यूटी में भी छूट दी गई है, इसका भी फायदा अजय देवगन को इस डील में हुआ है। बताया जाता है कि देवगन परिवार ने बंगले का पजेशन ले लिया है और इसमें रिनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है।